आखिर क्या है इसबगोल और क्यों है ये कब्ज के लिए रामबाण? आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में सदियों से इसबगोल का इस्तेमाल हो रहा है और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी है तो कब्ज की, और कब्ज का रामबाण इलाज है इसबगोल, क्योंकि 200 इसमें 70% घुलनशील और 30% अघुलनशील फाइबर होता है। और एक कब्ज के साथ साथ इसबगोल के और भी कई फायदे हैं। इसबगोल है क्या? इसबगोल की भूसी तो आपने नाम सुना ही होगा। घर के बुजुर्गों को जब कब्ज की दिक्कत हो जाती है या पेट में किसी तरह की समस्या होती है तो आपने अक्सर उन्हें सफेद रंग के इसबगोल को खाते देखा होगा। भरपूर मात्रा में फाइबर होने के कारण इसबगोल को कब्ज से राहत दिलाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इसबगोल के कई और भी फायदे हैं जिन्हें जानकर आप इसे जरूर खाना चाहोगे। इसबगोल से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि इसबगोल खाने के और भी क्या क्या फायदे हैं और उससे हमें फायदे मिलते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ अगर आप हिमाचली हर्बल में नए हैं दोस्तों, तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, इसबगोल जिसे अंग्रेजी में साइलम हस्क कहते हैं और प्लाटेंगो ओवेटो के पौधे से मिलने वाला बीज और भूसी है इसबगोल। इसबगोल के बीज के आसपास की भूसी में घुलनशील फाइबर होता है, इसलिए जब भी आप इस तरह के फाइबर को पानी में मिलाते हैं तो ये जेल बनाने के लिए पानी को अवशोषित करता है। इसके अलावा इसबगोल का इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है, साथ ही साथ ये वजन घटाने में भी मदद करता है। कब्ज से तो राहत करता ही है, जैसा कि आप जानते ही हो। इसबगोल में हाइग्रोसैपिक गुण होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ज़्यादा पानी सोखने में मदद करते हैं, और इसबगोल में मौजूद फाइबर कब्ज ठीक करने का एक अच्छा उपाय है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो दूध के साथ 2 चम्मच इसबगोल मिलाकर पी सकते हो आप। कब्ज को तो रोकता ही है, साथ ही साथ दस्त रोकने में भी मददगार होता है इसबगोल। इसबगोल आंतों को साफ करता है और जो संक्रमण के कारण सूक्ष्म जीवों को हटाने में भी मदद करता है। दस्त के दौरान अगर आप इसबगोल को दही में मिलाकर खाते हो तो दही और इसबगोल दोनों ही दस्त को रोकने में प्रभावी होते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो इसबगोल को दूध में मिलाकर खाना है, और अगर आपको दस्त की शिकायत है दोस्तों तो इसबगोल को दही में मिलाकर आपको खाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है इसबगोल। जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने के अवशोषण को रोकता है, और इसके अलावा इसमें मौजूद जिलेटिन आपको ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करे इसबगोल जो होता है वो पित्त एसिड को बांधता है, यानी कि LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL के स्तर को बढ़ाने में मददगार करता है इसबगोल। साथ ही साथ आपके दिल को भी स्वस्थ रखता है इसबगोल। दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है, क्योंकि ये शरीर में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है और ये दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लिपिड के स्तर को बढ़ाता है, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो उसके लिए मददगार है इसबगोल। इसबगोल जो होता है वो वजन घटाने में फायदेमंद होता है। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हो तो इसको 1 गिलास पानी में या जूस में डालकर पिए। इसबगोल का पानी और नींबू के रस के साथ मिलाकर भी इसे पी सकते हो, जिससे वेट लॉस होने में मदद मिलेगी। ओवर ईटिंग करने से भी बचाता है इसबगोल। जो होता है ओवर ईटिंग रोकने में मददगार होता है, हालांकि इसको सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा सेवन से गैस, सूजन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपने देखा ना दोस्तों कि इसबगोल खाने के हमें कई फायदे हैं। कब्ज के साथ साथ ये कई बीमारियों में मददगार होता है। लेकिन दोस्तों, इसके जितने फायदे हैं उसका एक नुकसान भी है कि इसबगोल लेते समय आपको पर्याप्त मात्रा में तल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, वरना पेट में ऐंठन या उल्टी आने की दिक्कत भी हो सकती है। दिन में 30 ग्राम से ज़्यादा इसबगोल का सेवन ना करें दोस्तों। इसबगोल का ज़्यादा सेवन करने से आपको भारीपन महसूस होता है और कफ की दिक्कत भी हो सकती है। तो
तो दोस्तों जब भी आप इस गोल का इस्तेमाल करें तो नुकसान को देखते हुए ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल आपके साथ एक ऐसी नई हर्बल वीडियोस के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।